राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटा बारीक डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो ये मैं 28 फंदों पर डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छे से आपको नज़र आ सके। और ये 2+2 के हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। और ये मैंने इस तरीके से बॉर्डर के लिए ऐसे ही थोड़ा सा 4 सिलाइयों को बॉर्डर बना दिया। ये मेरी सीधी साइड है, ये मेरी उल्टी साइड है, तो ये डिज़ाइन आपको उल्टी साइड से डालना है, रॉन्ग साइड से डिज़ाइन डलेगा। इधर हमने बॉर्डर शो कर दिया है और इधर से मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। बहुत ही आसान सा है, बहुत प्यारा सा लगता है। तो देखिए, इसकी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है जो कि रॉन्ग साइड से शुरू होगी। तो इसमें पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा फंदा हम इस तरीके से उल्टा बना रहे हैं। उल्टा फंदा बनाने के बाद में हम इसको धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा हम इस तरीके से बिना बुना उतार लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से, फिर उनको पीछे करेंगे और इस फंदे को इसी तरीके से जैसे उल्टा फंदा बुन रहे हैं ऐसे हम उतार लेंगे। तो इसको उतारते टाइम ये नहीं कि आपका धागा आगे हो और ऐसे उतार लो, ठीक है ना, इसको पीछे ही रखना है जब भी। और जब बुनना है तो उसको ऊन को आगे करना है और एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे जो उतारना होगा, जब हम ऊन को पीछे करके इस फंदे को इस तरीके से उतार लेंगे। इसी तरीके से हमारी एक सिलाई पूरी बनेगी, ठीक है। ऐसे हम फर्स्ट रो बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम लास्ट में आ गए हैं। पीछे किया, बिना बुना फंदा उतारा, आगे किया और एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, फिर पीछे किया, फंदा उतारा और उनको आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा बना लिया। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, सेकंड रो हमने कैसे बनानी है। अब हमारी सीधी साइड है, तो ये देखिए जो फंदा हम पीछे की तरफ ले रहे थे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरा बेबी ऊन से मैं इसको बना रही हूँ और 11 नंबर से बना रही हूँ। थोड़ा और बारीक बारीक ये डिज़ाइन बनके तैयार होएगा। तो देखिए, हाथ बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं रखना वैसे। अब हमारे सेकंड रो है, तो सेकंड रो कैसे बनानी है। हमने पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमने ऐसे धागा आया होगा आपको ऐसे ना, ये बुना हुआ दिखाई दे रहा है सीधा, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है ना, ये देखिए, क्योंकि हम बिना बुना ले रहे थे ना जो फंदा, उसमें इस तरीके से आ रहा था। तो उनको आगे करके पहला फंदा बिना बुना लिया और उनको आगे करके जिसमें ये देखिए इस तरीके से होगा उसको हमने उल्टा बुनना है ऐसे, ठीक है। फिर उनको पीछे करना है, ये सीधा दिख रहा है ना, इसको हमने सीधा बनाना है। फिर उनको आगे करना है, ये देखिए उल्टा, जिसमें धागा हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसको उल्टा बनाना है। इस तरीके से हमारी ये सेकेंड रो पूरी बनेगी। तो एक सीधा बन रहा है जो सीधा अलग से दिख रहा है, उनको आगे करना है और ये उल्टा। इस तरीके से जो है हम ये सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ऐसे बनाते हुए लास्ट में आ गए, उनको आगे किया, देखिए उल्टा, उनको पीछे किया और सीधा। तो ऐसे ही हमारी सेकंड रो पूरी हो जाएगी, सीधा, उनको आगे किया और ये उल्टा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी रो में देखिए क्या करना है, जो फंदा जैसा है वैसे इसको बुनना है, यानी कि जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा। तो पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और ये देखिए उल्टा दिख रहा है ना, तो उनको आगे करेंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उनको पीछे करेंगे, ये सीधा दिख रहा है ना, इसको सीधा बनाएंगे। तो इसे उल्टी तरह से भी हमारा एक सीधा और एक उल्टा ही बनेगा। तो जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें उसे वैसा ही उतारना है, सीधा दिख रहा है ना। तो ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट करनी हमने इसी तरीके से, एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए।
तो देखिए लास्ट में आ गए एक सीधा और एक उल्टा ही बन रहा है, ठीक है ना। तो ये तीसरी रो हमारी इस तरीके से पूरी हो गई, ठीक है। अब हमारी फोर्थ रो डिज़ाइन की सीधी साइड से, तो देखिए अब हमारा इस तरीके से बॉर्डर जैसा लग रहा होगा, है ना, आपको देखने में। तो आपने देखा था जब हमने शुरू किया था, जब यहाँ पर ये धागा अलग से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारा जो हमने स्लिप किया था उसके ऊपर से गया था, ये शुरू में आपको दिखाई देगा उल्टी तरफ। तो ये सीधी रो हमारी चौथी डिज़ाइन की, इसको हमने बिना बुना ले लिया, जैसे हम बुन रहे हैं उनको आगे किया। ये देखिए जहाँ उल्टा फंदा उसी के नीचे ये जो हमारा लंबा धागा था, इसको हमने इस तरीके से उठाना, लगी दिखाई दे रहा होगा उसको, इसको सिलाई में इस तरीके से डालना है। और ये जो उल्टा है, और इसको ये दोनों फंदों को इस तरीके से, सॉरी, उनको पीछे करना है और ये दोनों फंदों को सीधा बना लेना है, ठीक है। फिर सीधा आ गया, इसको हमने सीधा बना लेना है। फिर देखिए अलग से दिख रहा है ना, ये लंबा धागा नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको, लूज सा दिख रहा है अलग से उल्टी साइड वाले फंदे में। फिर इसे ऊपर डालना है और ये दोनों फंदे उल्टा और एक ही जो हमने ऊपर किया है, इन दोनों को हमने सीधा बना लेना है। तो ये रो पूरी सीधी बनेगी और इस तरीके से हमने सीधा फंदा आ गया, फिर इसको सीधा बना लिया। इस तरीके से हर बार इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले जाके दो फंदों का एक फंदा बना देना है, ऐसे सीधा बनाते हुए। तो ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरीके से बनेगी। बहुत छोटा बारीक डिजाइन है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब थोड़ा बन जाएगा तो दिखाई देगा। तो हम ये रो ऐसे बना लेते हैं पूरी। तो देखिए इस तरह बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। नीचे से ही उठाया, ऊपर की तरफ ले गए और इन दो का एक कर दिया सीधे। तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बनी है, ठीक है, ये सीधा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा, ठीक है। तो ये चार रो का डिज़ाइन है, तो अभी दिखना शुरू हुआ हल्का हल्का, अभी जब थोड़ा बनेगा तो दिखेगा। अब फिर से हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड में जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो है फोर्थ रो भी जैसे बन गई है। अब हमारा फिर से उल्टी साइड आ गई है और उल्टी साइड में फिर से रिपीट करेंगे डिज़ाइन को, लेकिन थोड़ा सा फर्क करेंगे। आपने जब फर्स्ट रो बनाई थी तो हमने कैसे बनाई थी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। पहला फंदा तो हमें बिना बुना लेना ही है, ठीक है ना, ये ले लिया। तो उसमें हमने ऊन को आगे करके इस तरीके से पहला फंदा बुना था, ठीक है। यानी कि आपको जब भी डिज़ाइन जैसे चार रो का पूरा हो गया, फिर जब चेंज करेंगे डिज़ाइन फिर से शुरू करेंगे, तो आपको हल्का सा फर्क करना है। ये पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से उल्टा बनाया था, ठीक है, लेकिन अब हमने उल्टा नहीं बनाना, उनको पीछे ही रखना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरीके से, तो अब हमने स्लिप कर रहे हैं, तो जब दोबारा डिजाइन करेंगे तो पहला फंदा हमने बुनना है, एक बार बुनना है, एक बार स्लिप करना, बस इतना ध्यान रखना। उनको आगे किया और ये फंदा हमने उल्टा बना लिया। फर्स्ट रो सेम वैसे ही है, लेकिन बस शुरू में हमने चेंज करना है, ठीक है ना। एक बार बुनना और एक बार नहीं बुना। अब हमने इस बार नहीं बुना फर्स्ट, अगली बार हम ये इसको बुनेंगे, तो ऊन को पीछे करके जैसे पहले ऐसे उतारा था इसी तरीके से फिर ऊन को आगे करके ये बुना था हमने, ठीक है। फिर ऊन को पीछे किया और बिना बुना उतार लिया, बस ये ध्यान रखना है, तभी यहाँ पर ये जो लंबा धागा आता है, ठीक है ना। थोड़ा हाथ को आपको बहुत टाइट नहीं करना। तो ऐसे हम ये फिर से फर्स्ट रो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा कर लिया है ना फर्स्ट रो। अब वही सेकंड रो हमारी बिल्कुल इजी है, ये देखिए हल्का सा दिखा ना डिजाइन, जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा, जो ये हमारा इस तरीके से लंबा आया था उसको हमने उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर अब हमारा उल्टा फंदा आ रहा है ना, उनको आगे किया, ये देखिए जो पीछे से छोटा था एक अलग से दिखता है, तो ये उल्टा। आपका हाथ लूज होना चाहिए, अगर आपका हाथ लूज नहीं तो आप मोटी सिलाइयाँ भी ले सकते हैं। और ये सीधा, इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा बना लेंगे, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे सेकंड रो में। तो देखिए सेकंड रो गई, अब हमारी थर्ड भी वैसे ही बनानी है, जो जैसा दिखाई दे रहा है सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हमने उल्टा बनाना है, ठीक है ना। ईजी डिज़ाइन है, बस हमने फर्स्ट रो पर थोड़ा सा काम करना है और फोर्थ पे, है ना।
बाकी चार ये रो का सिंपल डिज़ाइन है, और ये देखिए जो सीधा है उसे सीधा, तो मैं इसे भी पूरा इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए डिज़ाइन की फोर्थ रो लास्ट रो यानी कि डिज़ाइन की, ये देखिए अब डिज़ाइन दिख रहा है ना। तो अब हमने इसको फिर से वैसे ही बनाना है, पहला फंदा बिना बुना लिया ठीक है, उनको आगे किया, और ये देखिए जो अलग से दिखाई दे रहा है धागा नीचे उल्टी साइड के फंदों में, इसको उठा के ऊपर रखना है और इन दोनों फंदों को सीधा बनाना है। तो धागे को पीछे ज़रूर करना है, ये देखिए ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। सीधा फंदा आ गया, उसको सीधा बना लिया, और फिर से ही फंदे को नीचे से ये जो स्लिप किया था उसका धागा इसको ऊपर किया, और ये जैसे हमने पहले फोर्थ रो बनाई थी सेम इसी तरीके से, बस ये चार रो रिपीट करते रहना है। बस क्या ध्यान रखना है, शुरू में जैसे मैंने बताया आपको, बस उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। जब भी हमारी डिज़ाइन की नई रो शुरू होगी फर्स्ट रो, उसमें आपको एक बार ये फंदा चेंज करना, जैसे भी हमने चेंज किया। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो देखिए डिज़ाइन की फोर्थ रो हमारी पूरी हो गई, ये देखिए यहाँ से उठाया धागे को ऊपर किया, तो देखिए इसमें लास्ट में आ रहा है ना ये, और लास्ट का फंदा सीधा। दो बार हमारा डिज़ाइन बन गया और डिज़ाइन दिखने लग गई है। जैसे ये उल्टे साइड पे फिर से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, तो आपको अब ध्यान है जो हमने फर्स्ट टाइम किया था वो हमने करना है, यानी कि अभी हमने डिज़ाइन डाला तो ये फंदा हमने स्लिप किया ना, अब इसको हमने बनाना है इस तरीके से उल्टा ठीक है ना। एक बार बनाएंगे एक बार छोड़ेंगे जिससे डिज़ाइन हमारा, फिर उनको पीछे किया और इसको बिना बुना इस तरीके से उतार दिया। बस इतना आपको बार बार जब भी डिज़ाइन शुरू करेंगे तो बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है। सॉरी देखिए अभी बातों बातों में गड़बड़ हो गया था ना। ये देखिए अब मैं ये मैंने बिना बुना लिया, इसको बुना, उनको पीछे करके ही हमने इस तरीके से स्लिप करना है, जब बुनना जब उनको आगे करना, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आपसे बातें करते करते भूल गई, तो आपको ये ध्यान रखना है बातें करते करते नहीं बनाना। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ डिज़ाइन को, फिर दिखाती हूँ ये देखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए बनके कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आया है, तो देखिए कितना, ये ज़्यादा सिकुड़ता भी नहीं है, पूरा अच्छे से खुला हुआ है डिज़ाइन है, ये देखिए। इस तरीके से आप ये डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, उल्टी तरफ से ही हमारा देखिए इस तरीके से है, और ये देखिए। तो ये मैंने बारीक बेबी ऊन पे बनाया है, तो ये छोटा छोटा इस तरीके से आया है देखिए ना। तो मुझे उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।